वालेकुम कैसे हैं सब दोस्त ठीक हैं लेक्चर नंबर फाइव के साथ एक दफ़ा फिर आपकी हाजिर ख़िदमत है क्वेश्चन नंबर वन है आज का विच ऑफ द फॉलोइंग नाट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर गिवन सॉफ्टवेयर में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है इसमें पेज मार्कर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विनवर्ड एक्सपी फोटोशाप ये सारे मौजूद हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जबकि विंडोज़ एन टी विंडोज़ न्यू टेक्नोलॉजी ये बेसिकली एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है एम एस एक्सल इज़ यूज टू आर्गनाइज डाटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटे को आर्गनाइज करने के लिए यूज़ होता है खाली का ऑप्शन इज़ यूज टू शो द स्पेसिफिक रो एंड कॉलम ऑन एवरी प्रिंटेड पेज ये प्रिंट टाइटल कहलाता है प्रिंट टाइटल Which of the following is not an example of internet browser? इंटरनेट ब्राउज़र की जो एग्ज़ाम्पल नहीं है इसमें फायर फॉक्स इंटरनेट ब्राउज़र है सफारी है क्रूम है फायल जीला एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर है जो कि फाइल मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है ये इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है सी पी यू इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है लास्ट मेरे ख्याल में दो लेक्चर में ये आ चुका है ये सी पी यू हार्डवेयर की एग्ज़ाम्पल है प्रिंट आउटपुट इन्वर्टेड कॉमास में ये एक सेंटेक्स की एग्जांपल है एक किसी भी चीज़ का सेंटेक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वर्कशीट्स डेफिनेशन है बेसिकली ये वर्क बुक की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप दो या तीन या एक तीन से ज़्यादा वर्कशीट्स को इकट्ठा करते हैं तो कम अज़ कम तीन या उससे ज़्यादा जो वर्कशीट्स हैं वो कम्बाइंडली पढ़ी जाती हैं एज ए वर्क बुक ये ऐसे थ्री डी शीट का नाम भी देते हैं एम एस पावर पॉइंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी मीडिया सॉफ्टवेयर ये सनैरियो चेंज हुआ बाकी क्वेश्चन ये पहले भी आ चुका है अली जगह इज़ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हुज़ यूज़र इंटरफेस एंड ए पी आई रिजम्बल दैट ऑफ ए प्रिंटेड ड्राइवर ये विचुअल प्रिंटर एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कि ए पी आई और इंटरफेस को रिजेंबल करता है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू सेलेक्ट द कॉलम ऑफ अ टेबल फ्रॉम बॉटम टू टॉप इसके लिए एक शॉर्टकट कमांड यूज़ होती है शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस पेज अप अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने कोई टेबल बना रखा है और आप एक कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं बॉटम से टॉप की जानव उसके लिए आप शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस पेज अप दबाएंगे तो वो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा ये वो दस एम सी क्यूज थे जो कि मैंने बार बार रिपीट होने वाले पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानों में मैंने देखे हैं और जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं अब फिर वही टॉपिक वाइज जो चीज़ें हमने स्टार्ट की हुई हैं आज तीसरा लेक्चर है उसका बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ मज़ीद दस एम सी क्यूज़ देखे ये रिलेटेड टू आई टी है चैप्टर नंबर गालबन ये वन से हैं फर्स्ट ईयर के मैंने जो आपको पहले भी बताया था कि एम सी क्यूज़ लिखे हुए हैं पहला एम सी क्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस इन सब में स्कैनर इनपुट है इसी तरह से ना सॉरी सवाल ही उलट हो गया देखें बस एक मिस्टेक होनी है और सारा सनैरियो चेंज हो जाएगा वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस स्पीकर आउटपुट है प्रिंटर आउटपुट है प्लाटर आउटपुट है जबकि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होती है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है द मोस्ट फेमिलियर इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर तो सबसे ज़्यादा जो फेमिलियर इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड बोर्ड कहलाती है कीबोर्ड फॉर्मेट दैट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इज़ अ कवर्टी जैसा कि अगर आपके सामने इस टाइम भी कंप्यूटर मौजूद है और उसका कीबोर्ड है या लैपटॉप उसका कीबोर्ड मौजूद है तो अगर आप अल्फ़ाबेटिकली तरतीब देखेंगे ना तो उसकी जो अपर लेयर है वो Q W E R T Y ये सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाली लेआउट है इसे कवर्टी के नाम से जाना जाता है सबसे ज़्यादा टाइपिंग स्पीड इस लेआउट में आती है बारकोड सिस्टम इज आल्सो सो नाउन एज इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है यूपीसी यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड और इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है वर्टिकल लाइनों से जैसे कि अगर आपके करीब कोई भी प्रोडक्ट मौजूद है ना जिसकी आ, किसी भी प्राइस टैग के तौर पे वर्टिकल लाइने और उसके ऊपर नीचे कहीं ना कहीं मौजूद है आ, कोई कोड भी मौजूद है डिफरेंट हाइट और डिफरेंट वर्थ की वो बेसिकली वर्टिकल लाइन है आपकी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड या बार कोड कहलाते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव है जी द माइक्रोफोन कन्वर्ट द साउंड इन टू अलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल करेक्ट ऑप्शन है विच की रिमूवज द करेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द करसर दो बटन है याद रखिएगा एक डिलीट और एक बैक स्पेस दोनों का काम है करेक्टर बाय करेक्टर डाटे को इरेज करना इन्जर्शन पॉइंट के साथ इंजर्शन पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जो रिमूव करेगा वो बैक स्पेस होता है और इंजर्शन पॉइंट से जो राइट right साइड से रिमूव करेगा उसे हम डिलीट कहते हैं तो ये चूंकि लेफ्ट साइड वाला है तो ये कौन से वाला होगा बैक स्पेस विच की रिमूव द करेक्टर टू द राइट साइड देखें ये दूसरा सिनेरियो भी आ गया तो ये अभी अभी हमने डिस्कस किया इसे हम डिलीट की के नाम से जानते हैं एन अदर वर्ड फॉर पॉइंटर पॉइंटर के लिए ये जो कंप्यूटर स्क्रीन पे इस टाइम आपको ये तीर का निशान नज़र आ रहा है इसे पॉइंटर या कर्सर का नाम देते हैं पॉइंटर या इसे क्या बोलते हैं कर्सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू गेट वॉइस आउटपुट गेट वॉइस आउटपुट सही है जी इस चीज़ के हवाले से ज़रा गौर कीजिएगा कि आउटपुट आपने लेनी है सिस्टम से तो अगर ये इनपुट होता तो फिर ये माइक था और चूंकि अभी आउटपुट की बात कर रहे हैं तो साउंड फॉर्म में या वॉइस फॉम में जो होती है वो स्पीकर कहलाता है। है इसमें एक ही चीज़ का ख्याल रखना है कि टू वॉइस इनपुट के तौर पे माइक यानी माइक्रोफोन यूज़ होता है और टू वॉइस आउटपुट के वाले से स्पीकर यूज़ होता है विश टेक्नोलॉजी इज़ यूज़ टू रीड द डेटा ऑन चेक्स बैंक के चेक्स की बात कर रहे हैं बुक अगर आपके घर में है तो आप अपना एक चेक देखें अपने वाले साहब का या अपने वालदा का बहन का भाई का या किसी का भी बैंक अकाउंट है तो डेफिनेटली घर में चेक बुक होगी चेकबुक को ओपन करें किसी एक चेक के लेफ्ट बॉटम कार्नर में एक तहरीर देखें लंबी सारी एक तहरीर लिखी होगी डिफरेंट डिजिट्स की वो मैग्नेटाइज्ड इंक की मदद से वहाँ पे एक टैग लगा होता है जिसे मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकगनेशन कहते हैं एम आई सी आर और एम आई सी आर रीडर यूज़ होता है उस टेक्नोलॉजी को रीड uh, करने के लिए असल में बैंक के चेक्स की वैलिडिटी चेक की जाती क्या है क्या कि ये जो चेक शरीफ लेके आए बैठे हैं साहब क्या ये वैलिड भी है कि नहीं है और क्या इस चेकबुक के जारी शुदा चेक के अगेंस्ट इस बंदे का अकाउंट हमारे बैंक में भी है कि नहीं है और उसकी क्या डिटेल है जो ये चेक फिल करके ले आए हैं साहब फिफ्टी थाउजेंड या वन लैख या वन मिलियन या टेन मिलियन तो क्या इनके अकाउंट में भी ये चीज़ें हैं कि नहीं यानी इतना वैसा है भी सही कि बस आ गए और इसको चेक करने के लिए जो रीडर यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं एम आई सी आर इसे कहते हैं मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर थैंक यू सो मच आज के ये ट्वेंटी एम सी क्यूज़ क्लोज हुए और आज जो हमने जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपके लिए रखा है वो रिलेटेड टू कल वाला ही क्वेश्चन है कल वाला क्वेश्चन का आप लोगों ने जवाब किया है या मेरे ख्याल में मेजॉरिटी ने तो जवाब ही नहीं किया शायद लास्ट तक जो है ना ये आप क्वेश्चन देखते ही नहीं हैं और मैं सोच रहा हूँ कि कल से शुरू में एक सवाल रख देंगे ताकि आप लोगों को पता हो अच्छा कल क्वेश्चन था कि सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन है या पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कायद अजम है और आज क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं कि पाकिस्तान का लास्ट गवर्नर जनरल और पहला प्रेसिडेंट कौन है लास्ट गवर्नर जनरल और पहला प्रेसिडेंट ऑफ़ पाकिस्तान कौन है जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिएगा अपना और इस चैनल का लाजमी ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़